हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो बताना चाहते हैं हम आपको कक्षा 8वीं की गणित और पार्ट टॉपिक है आपका समीकरण हल करना सिखा रहे थे भैया। आपको इसमें बताएंगे हम आपको समीकरण हल करना। पार्ट का वैसे नाम है आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो अपन सीधा सीधा हम आपको टॉपिक का नाम समीकरण हल करना सिखा, ठीक है। आपको इसमें समीकरण हल करना बताएंगे हम आपको इसमें, और जो एमपी बोर्ड है आपको इसमें क्वेश्चन, अगर आप पेपर में आपको बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर आता है समीकरण का, तो जी भैया मेन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, उदाहरण 3 है, अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है कि यह कठिन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये पेपर में आ भी सकता 2-3 नंबर में आएगा, 3 या 2-3 नंबर में, ज्यादा से ज्यादा 3 या 2 नंबर में आता है, ठीक है। वैसे थोड़ी बड़े भी टफ होते हैं, उतना बड़े हो जाते हैं, लॉन्ग होते हैं, वो 4 में आ जाते हैं, 4-5 नंबर में। तो जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसकी हम आपको जांच करना भी बता देंगे और समीकरण हल करना भी, बिल्कुल जैसे हल करना चाहते हो वैसे हल करना बता देंगे, ठीक है। सबसे जैसे लगाना चाहते हो वैसे लगा लो, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा हो, कैसे इच्छा है। पहले तो बात यहाँ पर है, इसमें अपन देख रहे हैं, पहले तो इस समीकरण को पहले अच्छे से देखो, इसमें अगर अपन देखें तो इसमें अगर इसके बटे में एक मान के अगर अपन भिन्न हल कर लें तो जब भिन्न बन जाना, ठीक है, फिर इसके बाद इसको जो कितने लिख देंगे अभी, तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अपन अगर तो इसमें नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे, बाकी अगर आपको इसमें देखना है फिर इसमें दो एक ही पद बन जाएगा, फिर अपन क्या करवा देंगे, त्रिक गुणा करवा देंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे, ठीक, हम भी देखते हैं क्या होता है। चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण को जय करते उतार के उतार लेना, फिर इसके बटे में आपको एक मान लेना, ठीक है, मान लिया, फिर आपको इसका भिन्न बन जाएगी, अगर भिन्न नहीं बनती तो भैया क्या करना है आपको, त्रिक गुणा अपनाना, त्रिक गुणा वाले भिन्न, फिर आपको ऐसा करना है इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, ठीक है, और फिर एक बार आमने सामने कर देने, इतना कर दो भाई, तो एक का गुणा इसमें करोगे 6x+ के 1 में पूरा में, तो जी आपका जहीं का तहीं आ जाएगा, जब एक का गुणा इसमें करोगे, एक का इसमें करोगे तो जहीं का तहीं आएगा, एक का तो फर्क नहीं पड़ता कुछ नहीं, और बीच में प्लस तो प्लस, और 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 एक कम 3 आ जाएगा, फिर आपको एक भी करना है आमने सामने, 3 एक कम 3 बराबर जहीं का तहीं, और जी हमने कहा था आपको जहीं का तहीं बिठा देना, तो एक्स माइनस की 3/6 इतना करने के बाद आपको यहाँ पर जो ऊपर जुड़ रहा है तो 1 और 3 जुड़ रहा है, अचार अचार जुड़ रहा है तो उसको जोड़ देंगे, जो नहीं जुड़ रहा उसको जेंगे, जी तो कुछ ही में जुड़ेगा नहीं तो इसको जेंग करते हैं, 3 1 कितने होते 4/3 और एक्स माइनस का 3/6, और कभी भी ऐसा आ जाए कि दोनों पक्षों में अगर आपका भाग जा रहा है कि इसके पक्ष में इसमें भाग जाता है तो दे देंगे, ठीक है, 3 का भाग इसमें जा रहा पूरा पूरा जा रहा है ना, तो जा रहा तो दे दो, कोई संकोच नहीं करना, भाग जा रहा हो तो दे दो, हर का हर में भाग जा रहा, तो 3 एकम 3 3 9 6, इधर तो कुछ बचा नहीं, मतलब एक ही बचा तो एक का कोई मतलब नहीं रहता, वैसे भी लिखना हो तो लिख लें अपन, एक भी फिर आपको समझा भी बुलाना है, इसमें बचा था एक्स माइनस के 3/2, ठीक है, तब बचा 2, अब यहाँ पर तुम देख रहे, ठीक है, क्या देख रहे हैं, एक को भाग ऊपर दे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उत्तर जिन कहते हैं 1 का भाग 2 या गुणा करो कुछ नहीं फर्क पड़ता, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है, जितने में भाग रहा है उतना ही रहा है, आप 1 का किसमें भाग लो, 12 में 1 को भाग लाओ उतने जिन कहते हैं वो जितना रहता है उतना ही, 1 का भाग इसमें लगा उतना ही आ जाएगा, 6x+4/(x-3/2), और आप जानते हैं कि अगर कोई भाग में हो, भाग का पक्षांतर कहाँ होता है, गुणा होता है, भाग का पक्षांतर यहाँ भाग ही नीचे, भाग का पक्षांतर इस साइड आएगा तो गुणा में आएगा, तो गुणा में आता है भाग का पक्षांतर, यहाँ पर लिख देंगे क्या करेंगे, पक्षांतर करने, क्या करने, पक्षांतर, पक्षांतर करने ये कर दो, और भाग का पक्षांतर आपको पता है गुणा में जाता, हमने बता दिया, ध्यान रखना भाग का पक्षांतर गुणा में, 2 का में आ जाएगा गुणा में, तो इस साइड जहीं का तहीं रहेगा, भाग का 2 भाग गया है इस साइड, आप गुणा में आ गए तो भाई गुणा कर दो, इसका इसमें करोगे एक बार, इसमें इसमें भी करोगे, 6 दूना कितना हो जाएगा 12x
और 4 2 8 एक्स माइनस कितने, अब सिंपल सा हो गया। अब यहाँ पर सीधा सीधा है, अब कुछ चार अलग कर लेना, वो चार अलग कर लेना तो फिर बन जाना बढ़िया भाई। क्या करना है अपन, चार राशियों अलग कर देना, चार राशियों अलग कर लेना, तो क्या करें अपन, चार और चार अलग कर रहे, तो एक चार इधर था इसको ले आएंगे, वो चार को मान ले जाएंगे, तो ठीक है 12x चार ना है, चार ना ले जाएंगे अपना, अचार अलग कर देना, चार अलग, चार इस साइड लेता है, अचार उस साइड कर देंगे, -3 था जी, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का बन, और जब भी अपन पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे, देखो एक्स का एक था इधर प्लस में था, चिन्ह नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ पर प्लस ही होता है, कुछ चिन्ह ना हो, बिल्कुल कुछ चिन्ह ना दिख रहा हो तो उसमें प्लस समझना, प्लस का इधर आया तो कम हो गया माइनस का, और जी प्लस का तो इधर गया तो कम हो गया 8, माइनस का दिख रहा है ना 8 का हो गया, संख्या के आगे चिन्ह होता है, 8 का चिन्ह इसके आगे और 3 का इसके आगे माइनस, 3 इधर माइनस का था तो माइनस नहीं कहते हैं, और जी 8 इधर आया तो माइनस, 12 में से एक एक्स, जैसे भैया कह घटो 12 में से एक एक्स इधर कुछ नहीं होता तो एक होता है, एक एक्स 12 में से एक एक्स गए तो कितने बचेंगे 11x, और इधर माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस के 11, और फिर पक्षांतर करने तो लिख देना, यहाँ पर पक्षांतर किया अपन तो यहाँ पर लिख देना बगल पर पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर ठीक है, और फिर इधर पक्षांतर करने तो एक्स बराबर कितना जाएगा, गुणा का पक्षांतर कहाँ होता है भाग में, तो बगल पर लिख देना पक्षांतर, क्यों ऐसे लिखना पड़ता है जैसे नंबर निकलते, लिख दो या ना लिखो या ज्यादा अच्छा लिखना है तो अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक है बताना पड़ता कि हम कब क्या कर रहे हैं, तो इसलिए कर लो 11 का भाग 11 में, जो 11 एक कम 11 तो माइनस का एक आ जाए क्योंकि माइनस तो लगा ही था उसमें, ठीक है एक आ गया माइनस का एक आ गया ना, माइनस का एक आ चुका है, और अगर इसकी जांच देखें तो भाई जांच देख लो, जांच के लाने को बड़ी बात नहीं है, जब इन चुप कैसे हो सीधो नहीं हो देखो तो कहाँ भगा देखो, ये तो होता है जो जांच के लाने आपको क्या करना चाहिए, आपको पूरा समीकरण देगा तो बात लेना जांच, ठीक है जांच के लाने आपका, जांच में क्या करना होता अपना पता करना कि सही दवाई है कि गलत, मतलब सही अवमान या गलत है, जो एक्स समीकरण का हल लिखते हैं या माइनस वे जो हल सही है या गलत है, तो पहले इसको जांच करना दो, सात एक्स प्लस के 1/3 प्लस 1 बराबर एक्स माइनस के 3/6, ठीक है ऐसा है, जहां पर अब एक्स का एक्स कितना आया था -1 और जितना एक्स आया था वहां पर क्या है एक रखा जाए ना माइनस को, जहां पर एक एक्स है तो देखो एक्स का एक्स बराबर माइनस को एक, तो जहां पर एक्स रहेगा तो किधर आएगा -1, तो देखो इधर एक्स था तो एक्स की जगह -1 और प्लस को 1/3 और प्लस में 1 बराबर, इधर भी -1 माइनस के 6/3, ठीक है और यहाँ अगर गुणा होगा गुणा का संबंध तो 6 कम 6 हो जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा प्लस का 1/3 प्लस के 1 बराबर -6 और 4 -1 को -3 जोड़ेंगे तो 4/6 हो जाएगा, तो -6 में से 11 माइनस प्लस में घटाना होगा ऊपर तो माइनस का तो प्लस घटाना होगा तो -6 में से 11 5 बचेगा -5/3, अब इधर सीधी भिन्न बना देंगे अपन ऐसा गुणा करके, ठीक है भिन्न बना दें -5 3 1 3/3, इसको काट देना 2 2 4 2 3 6 -2/3 कट जाएगा, ठीक है और 5 में से 2 गए तो क्या बचेगा -2/3, इधर भी -2/3, दोनों पक्ष कैसे आ गए भैया समान आ गए तो ये अपने सही हैं, अगर दोनों एक से नहीं आते 5 में से 2 गए तो -2 बचा -2/3 इधर भी -2/3 है, एक से आया ना दोनों पक्ष समान हैं तो अपने दो जो समीकरण को हल सही है, वरना क्या होता है गलत, अगर समान ना होते तो गलत, तो ठीक है और दोस्तों मिलते नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।